सब कुल मिलाकर आ चुके एक कोर गेम प्ले के साथ वापस। और भाई सबसे पहले तो यार हम रियली सॉरी कि आपके लिए इतना लेट वीडियो आ रहा है। तो देखो रीज़न ये है कि यार मैं बहुत सारे मैच खेल रहा हूँ, पता नहीं क्या होता है, मैं 10 किल करता हूँ, 15 किल करता हूँ, मर जाता हूँ, मज़ा नहीं आ रहा था गेम प्ले में। फिर भी मैं फाइनली एक ये गेम प्ले लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें कि भाई आपको जरा सा भी बोरिंग पार्ट नहीं लगने वाला है, उसकी मैं 200% गारंटी दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा पार्ट कुछ भी नहीं रखा इस गेम प्ले के अंदर, जो भी फाइट है ना भाई मज़ा आने वाला है। फिलहाल देखो हम ये उतरते हैं यासनाया, और यहाँ पे देखो ये उतरता है एक बंदा, तो सबसे पहले इसको फिनिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई आता नहीं अपार्टमेंट साइड में, सब उधर की साइड उतरते हैं, तो इसको फिनिश करके यहाँ पे सीधा चलते हैं आगे की साइड में। अब जैसे मैं इधर आता हूँ तभी देखो सामने होता है स्क्वाड हाउस में बंदा। अब सबसे पहले अपने भाई का ये नेट देखो, बोलो बेटा भारत माता की जय, बूम। अब भाई जैसे ये नॉक हुआ एक और नेट ट्राई करता हूँ, लेकिन इस नेट से कुछ होने वाला नहीं है, बच गया। अब देखो गाइस आप सोच रहे होंगे मैं इतना जल्दी इधर कैसे आ गया सब कुछ, मैं आपको इसलिए जल्दी जल्दी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मैं सिर्फ फाइट दिखा रहा हूँ। अब वो क्यों? क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी बोर ना हो। अब भाई इस फाइट के अंदर जो आपको मज़ा आने वाला है ना भाई, कसम से ये 1v4 देखना मज़ा आ जाएगा एकदम, बिल्कुल 40 HP में 1v4 करूंगा। लेकिन गाइस अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक ठोक दो। चलो खैर आप एक काम करना, ये 1v4 देखो उसके बाद लाइक करना, ठीक है? अगर आपको लगता है ना खतरनाक है तो एक लाइक कर देना। तो देखो अब एक मैं यहाँ पे मोली करता हूँ, अब मैं यहाँ पे कैंसिल भी कर देता हूँ क्योंकि भाई ये कर देता है मेरे पैर। और भाई ये पूरे लिटरली 4 बंदे होते हैं। अब देखो ये रश करने की बजाय सीधा यहाँ अंदर घुस जाता है और उसका एक और बंदा आ जाता है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना यहाँ पे एक मोली कर देता हूँ जिससे कि ये लोग थोड़ा डैमेज हो जाए। तो अभी भाई मेरा टीममेट हो जाता है यहाँ पे लोग। अब भाई ये 1v4 भाई 4 बंदे रश करते हैं और ये 4 बंदों का 1v4 देखना भाई। आप पहले 1v4 देखो, एक और नेड है मेरे पास, मत आना। अब चलिए यहाँ पे मेरी फट रही है, आजा भाई। चलो बेटा पहला नॉक, चलो बेटा तुम भी दूसरा नॉक, चलो बेटा तुम भी तीसरा नॉक। भाई इसका बसता है लास्ट एंड फाइनल चौथा बंदा जिसको कि मैं घुस के मार देता हूँ, तो चलो बेटा तुम भी। अब देखो चारों को मैंने मारा लेकिन पता नहीं ये ऑलरेड क्यों नहीं हुए, मे बी शायद इन पे अभी रिकॉल बाकी होगा। तो देखो अब मेरे टीममेट को मैं कैसे बचाता हूँ भाई, ये देखना भाई HP नहीं बचती भाई भाई की बिल्कुल भी। देखो ओ भाई हीली नहीं है भाई, राइट में देखो भाई आपको HP भी नहीं दिख रही होगी इसकी। खैर यहाँ पे देखो अपने टीममेट को बचा लेते हैं। अब गाइस अगर ये 1v4 आपको अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना, और जो चैनल पे नहीं हो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और यार लाइक तो कर ही दो यार, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ यार मैं। देखो लेट हो गया, उसका रीज़न है यार मैं जॉब करता हूँ, नहीं ला पाता हूँ जल्दी जल्दी गेम प्ले। खैर मैं कोशिश करूँगा जल्दी लाने की, तो फटाफट से लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक तो यार से कर ही देना यार, सब्सक्राइब भी कर ही लेना, आपके भाई हो यार, भाई बोल रहा है तो कर लेना। खैर देखो, और हाँ आज मैं मतलब मेरे गेम प्ले में क्लासिफाइड आईडी आए होते हैं, बट उसमें किस्मत इतनी बुरी होती है कि मैं 5 किल करके ही मर जाता हूँ, और क्लासिफाइड आईडी से आमना सामना भी नहीं हो पाता है मेरा, तो वो वीडियो दिखाने का मतलब नहीं था, बस खाली मैं आपको दिखा दिया कि हाँ मेरे गेम प्ले में आए थे। अब देखो जैसे ही इन स्कोर को मैं निपटाता हूँ तभी यहाँ पे आ जाते हैं और बंदे, और ये वाली फाइट देखना भाई, इंटेंस फाइट है, मज़ा आने वाला है, और ये कितने तगड़े नेड करते हैं वो देखना बस आप। और वॉरर कौन कर रहा है इतने नेड यार? अब ये भाई स्कोर इतने सारे नेड करती है कि हमारी फटके फ्लावर हो जाती है। अब ये गलती क्या करती है, ये बंदा देखना यहाँ से चढ़ रहा होता है तभी भाई। चलो बेटा मंकी नहीं, अब भाई इसको पूरा लो कर देता हूँ, और मेरा टीममेट एक कर देता है स्कोर हाउस में नॉक। अब देखो
चलो बेटा। तो भाई अभी इन दोनों को फिनिश कर देता हूँ, तभी भाई ये कर रहा होता है चुन। अब मेरा टीममेट बोलता है भाई देना, आप मुझे कवर देना। तो भाई ठीक है भाई, हम कवर देंगे। इतना कवर ओफ, एकदम ओपी। बंदे को भाई पीक करने भी नहीं दिया मैंने। तभी भाई यहाँ से लूट उट करते हैं और सामने वाले बंदे को भी मार देते हैं। बट आपको क्या ही दिखाऊंगा भाई, बहुत बोरिंग है साला, भगा रहा था बहुत। क्या देखो उसको भी मार के सीधा चलते हैं आगे की तरफ। अब जैसे ही उस बंदे को मार के हम इधर की साइड आते हैं, तभी मेरे को यहाँ से फायर आता है बट कोई दिखता नहीं है। अब ये इधर दिखता है, मेरे को लगा बंदा होगा, ये बोट था। खैर इसको भी यहाँ पे मार के मैं वापस इधर की साइड देखता हूँ कि वो बंदा शायद से दिख जाए। अब वो यहाँ पे नहीं दिखता है, तब हम बोलते हैं कि क्यों ना यार अपन को भी यहाँ से निकलना चाहिए। तभी हम यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। तो देखना मुझे क्या दिखता है। जैसे इधर की साइड आता हूँ, स्कोप खोलता हूँ और भाई ये बंदा दिखता है और मैं जिसको कि नॉक कर देता हूँ और साथ के साथ इसको फिनिश भी कर देता हूँ। चलो बेटा कोई काम नहीं है आपका यहाँ पे। अब इसको जैसे ही फिनिश करता हूँ भाई, अपने यहाँ पे हो जाते हैं नोवो में, सॉरी नोवो बोल रहा हूँ, अपने यहाँ पे यासनाया पोलनाया में हो जाते हैं पूरे के पूरे 10 किल। और यहाँ पे यासनाया में भी शायद खाली हो जाता है, सब अपने आपस में लड़के मर जाते हैं और अपन 10 किल यहाँ पे निकाल लेते हैं। 1-2 किल मेरे चोरी भी हो जाते हैं, मे भी खैर छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने 10 किल यहाँ पे हो जाते हैं और अपन यहाँ से सीधा निकलते हैं आगे की तरफ। अब वहाँ से आते वक्त होता क्या है, मैं मर जाता हूँ बट मैं रिकॉल होके एक ड्रॉप लूट के जैसे इधर की साइड आता हूँ, तो अभी वही घर से भी आता है एक फुट। अब देखना इस बंदे को कैसे मारता हूँ। हालांकि हो तो होता तो सोलो है बट भाई नेक्स्ट लेवल की एमपी। बट बंदा फिर भी मेरे से फाइट ले रहा था बैक टू बैक। खैर भाई कोई नहीं भाई, अच्छा लगा कि भाई ये बंदा कम से कम कैंपिंग तो नहीं कर रहा था। नहीं भाई आजकल के बंदे आप लोगों को पता होगा कितनी गंदी कैंपिंग करते हैं और अपने आप को भाई पता नहीं कितना बड़ा प्रो प्लेयर समझते हैं। वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि बंदे कैसे खेलते हैं और अपने आप को कितना बड़ा प्रो समझते हैं। खैर देखो यहाँ पे अपने 11 किल हो चुके हैं। अब मैं सीधा निकलता हूँ यहाँ से अपनी गाड़ी लेके सीधा आगे की तरफ। अब देखो जैसे ही इधर बग्गी लेके आ रहा हूँ, तभी देखो आप साउंड सुन सकते हो कि सामने के साइड से गन फाइट आ रही है। अब देखो मैं जैसे सामने जाता हूँ और भाई मेरी बग्गी यहाँ पे ठुक जाती है। और देखना जैसे इधर ठोका, अब मुझे पता था भाई इधर बंदे फाइट ले रहे हैं, अब यहाँ पे मुझे कोई दिखता नहीं है। तभी जैसे इधर आता हूँ बंदा दिखता है। चलो बेटा, बट यहाँ पे मेरा टीममेट हो जाता है नॉक। अब इसका एक और बंदा आता है, इसको भी कि भाई मैं नॉक कर देता हूँ और इसके लास्ट वाले बंदे को और कोई मार देता है। तो अपने यहाँ पे कुल मिला के 13 किल हो जाते हैं। और गाइस यार देखो, अगर गेम प्ले में आपको कोई कमी लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके बोलो कि भाई ये कमी है, मैं यहाँ पे बोर हो रहे हैं, हमको ये चीज़ चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो। अब देखो वो तो कमेंट आप कर देना। फिलहाल देखो मेरे यहाँ पे 13 किल हो गए। अब उस बंदे पे सामने स्नाइपर थी इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क ले नहीं रहा था। अब मैं यहाँ पे स्मोक वगैरह करके सीधा निकलता हूँ। अब देखो मैं यहाँ से बग्गी लेके क्यों निकल जाता हूँ, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा ओपन में था। क्या देखो यहाँ से बग्गी लेके निकलता हूँ, तभी मैं आता हूँ इधर वाली साइड में। अब देखो जैसे इधर आता हूँ, मुझे पता था सामने से बंदे आएंगे। और देखना सामने से आता है बंदा। अब इसके पीछे भी बंदा है इसलिए मैं थोड़ा डर रहा हूँ, बट फाइनली इसको नॉक करता हूँ। और कोई किल ले रहा आपका, और ये हेड और दूसरा भी नॉक। अब जाओ आगे, एक बंदा और है। अब मेरे अंदर यहाँ पे फिनिश करने की चुल इसलिए बच रही थी कि कोई और बंदा मेरा किल चुरा रहा था, जो कि देख लो एक किल चुरा ही लिया उसने। खैर कोई दिक्कत नहीं है, चलो बेटा इसको भी यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। अब देखो भोन तो यहाँ पे मेरे 16 किल जाने चाहिए, बट एक किल यहाँ चोरी होता है और एक किल वो कंफर्म नहीं होता। अब एक बंदा आ रहा होता है यहाँ से पानी में, तभी देखना उसको मारने के चक्कर में मेरे साथ क्या होता है। जैसे वो आने वाला होता है तभी भाई एक किल तो आ गया, लेकिन बढ़िया है तेरी। अब इस बंदे को दिखाऊंगा आपको, देखना। अब जैसे मैं इस बंदे को देखता हूँ भाई, इसने 5 किल किए होते हैं और 1 पॉइंट कुछ की केडी होती है, आप गौर से देखना। अब ये भाई इमोट करके मुझे चिढ़ा रहा होता है, भाई क्या मतलब है, तुमने पूरा मैच खेल के सिर्फ और सिर्फ 5 किल किए, तुम्हारी केडी टट्टी है। अब देखो यार सॉरी, मेरे को
ऐसे मत बोलना आप लोग कि भाई तू एक की केडी वालों को ऐसे बोल रहा है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ केडी से जज नहीं होता, लेकिन भाई तुम कम से कम इतना कैंपिंग करके तो मत खेलो, और खेल रहे हो तो भाई सामने वाले को इतना तो मत करके दिखाओ कि तुम प्रो। यार आप सब समझते हो गाइस, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसे ऐसे बंदे आपकी लोबी में भी आते हैं क्या, और आते हैं तो क्या इस तरीके से ही करते हैं कैंपिंग करके आपको मारते हैं और आपको चिढ़ाते भी हैं। खैर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना, चैनल पे नहीं हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना यार, 10K करवा दो यार, प्लीज़ यार 10K करवा दो। और चलता हूँ यार, ध्यान रखना अपना, बाय बाय, टेक केयर, बोलो भारत माता की जय।